आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसे मीनार के बारे में जहाँ पर भाई बहन एक साथ नहीं जा सकते, उसका वजह भी हम आपको बताएंगे। यूपी के जालौन में 210 फीट ऊंची मीनार है, उस मीनार का नाम है लंका मीनार। इसके अंदर रावण के पूरे परिवार का चित्रण किया गया है। खास बात यह है कि इस मीनार के ऊपर जो जाना होता है उसमें सगे भाई बहन एक साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, वो हम आपको कारण बताते हैं। इस मीनार का निर्माण मथुरा प्रसाद ने कराया था, जो कि रामलीला में रावण के किरदार को दशकों तक निभाते रहे। रावण का पात्र उनके मन में इस कदर बस गया कि उन्हें रावण की याद में लंका का निर्माण करा डाला। 1875 में मथुरा प्रसाद निगम ने रावण की स्मृति में यहाँ 210 फीट ऊंची मीनार का निर्माण कराया, जिसे उन्होंने लंका का नाम दिया। सीप, उड़द की दाल, शंख और कौड़ियों से बनी इस मीनार को बनाने में करीब 20 साल लगे। उस वक्त इसकी निर्माण लागत 1,75,000 रुपये की गई थी। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद न केवल रामलीला का आयोजन कराते थे, बल्कि इसमें रावण का किरदार वो स्वयं निभाते थे। मंदोदरी की भूमिका घसीटी बाई नामक एक मुस्लिम महिला निभाती थी। इसमें 100 फीट के कुंभकर्ण और 65 फीट ऊंचे मेघनाथ की प्रतिमाएं लगी हुई है। वहीं मीनार के सामने भगवान चित्रगुप्त और भगवान शंकर की मूर्ति है। मंदिर का निर्माण इस तरह से कराया गया है कि रावण अपनी लंका से भगवान शिव के 24 घंटे दर्शन कर सकता है। परिसर में 180 फीट लंबे नाग देवता हैं और 95 फीट लंबी नागिन गेट पर बैठी है, जो कि मीनार की रखवाली करते हैं। नाग पंचमी पर इस कंपाउंड में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और दंगल भी लगता है। कुतुब मीनार के बाद यही मीनार भारत के सबसे ऊंची मीनारों में शामिल है। अब यहाँ पे भाई बहन का साथ में जाना क्यों निषेध है, वो हम आपको बता देते हैं। इस मीनार की एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत यहाँ पे भाई बहन एक साथ नहीं जा सकते। इसका कारण यह है कि लंका मीनार के नीचे से ऊपर तक चढ़ने में 7 परिक्रमा करनी होती है, जो भाई बहन नहीं कर सकते। ये फेरे केवल पति और पत्नी द्वारा माने गए हैं, इसलिए भाई बहन का एक साथ यहाँ पे जाना निषेध है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।